हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको खोज अविष्कार संबंधित जीके ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आसानी से मैं आपको 25 प्लस जो इम्पोर्टेंट हैं उनको एक बार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जिंदगी भर के लिए याद करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। सारे अविष्कार इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर करें इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किसने करा था। तो वो करा था दोस्तों ग्राहम बेल ने। किसने करा था दोस्तों? ग्राहम बेल ने करा था। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखेगा, ठीक है? तो टेलीफोन है दोस्तों, ठीक है ना? तो टेलीफोन की घंटी होती है ट्रिंग ट्रिंग, तो बेल बजती है टेलीफोन में, तो आप वहां से ध्यान रख सकते हो बेल, ठीक है? तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक कर सकते हो। सेकेंड दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने करा था? तो इसको याद रखने का तरीका है, आविष्कार करा था वाटरमैन ने, ठीक है? तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। फाउंटेन दोस्तों आपने देखा होगा, पानी का फाउंटेन होता है, ठीक है? पानी 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 आपको याद आएगा, तो पानी का इंग्लिश होता है वाटर, तो आपको वो ऑप्शन में मिल जाएगा वाटरमैन, ठीक है ना दोस्तों? वाटरमैन, तो आप आसानी से याद रख सकते हो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने करा था? वाटरमैन ने करा था, ठीक है दोस्तों? अगला है दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने करा था, ठीक है? तो इसका करा था मार्कोनी ने। तो इसको याद करने की ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहले एक डायग्राम देखिएगा, उसको देखकर स्टोरी के माध्यम से इसको याद करेंगे। चलिए डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो रेडियो पे डांस कर रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो क्या हुआ दोस्तों, इसका रेडियो जो है वो खराब हो गया। तो मैंने इसको बोला कि रेडियो चालू करना है तो एक काम कर, अपनी जो एल्बो है, कुनी है, कुनी इसकी, उस कुनी से रेडियो पे मार। तो ठीक है, तो उसने कुनी से जब मारा उस पे रेडियो पे, ठीक है, तो उसका रेडियो चालू हो गया। तो दोस्तों अपना क्या, मैंने उसको क्या बोला, मार कुनी से, ठीक है? तो मार कुनी से, तो मार कोनी, मार कोनी, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए मैं आपको वहीं भी ले जाता हूँ वापस पेज पे। तो फ्रेंड्स, रेडियो का आविष्कार आपको याद हो गया, मार कुनी से रेडियो खराब हो गया था उसका, तो उसने कुनी से मारा, तो मार्कोनी, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। अगला है दोस्तों, सीमेंट का आविष्कार किसने करा था? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सीमेंट का आविष्कार करा था जोसेफ एस्पडीन ने। तो इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे देखिएगा दोस्तों, आपकी सीमेंट जो होती है, ठीक है, वो उसको गला के हम जिस शेप में डालते हैं उस शेप में ढल जाती है, तो जो शेप में डालते हैं हम वो शेप में सीमेंट ढल जाती है। तो जो शेप में डालते हैं तो जो शेप, तो आप आसानी से वहां से पकड़ सकते हैं उसको कि जोसेफ ने सीमेंट की खोज करी थी। तो जो शेप में डालते हैं डल जाती है सीमेंट, तो जोसेफ। ओके फ्रेंड्स, डीजल इंजन का आविष्कार किसने करा था? तो रुडोल्फ डीजल, उनके सरनेम में ही डीजल है, सरनेम ही डीजल है, तो आप उसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अब हम आगे और आविष्कारों की बात करते हैं। दोस्तों अगला हमारा आता है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने करा? तो दोस्तों एयर कंडीशनर का आविष्कार जो है वो हैवी लैंड कैरियर ने करा है। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों, भारी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, है ना? तो आप उससे याद रख सकते हो कि हैवी लैंड कैरियर, ठीक है फ्रेंड्स? तो आसानी से आपको याद रख सकता है, हैवी वर्ड आपको वहां मिल जाएगा, एयर कंडीशनर बहुत भारी होते हैं, तो हैवी लैंड कैरियर, ठीक है, आप वहां से इसको पकड़ सकते हो। गाइगर मूलर काउंटर का आविष्कार किसने करा था? गाइगर ने करा था, जो कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है, विद्युत जनरेटर का, ठीक है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। क्या हुआ दोस्तों कि किसी की शादी हो रही थी, तो बिल्कुल फेरे का दिन चल रहा था, फेरा डे, ठीक है, माइकल फेराडे का हमने पीछे का लिया, फेरा डे दोस्तों, फेरा बिल्कुल उसके फेरे के दिन चल रहे थे, फेरा डे था, है ना? तो उस टाइम में क्या हुआ कि लाइट चली गई, तो उसका दिमाग खराब हो गया कि यार मेरे फेरे के टाइम पर ही लाइट चली गई। तो उसने क्या करा, फिर बोला जनरेटर का आविष्कार करो यार, ऐसे कुछ चीज बनाओ जिससे तो हो। तो जनरेटर लाया और उसका आविष्कार करा, और इस तरीके से फिर उसके फेरे हो पाए। तो आप वहां से याद रख सकते हो फेरा डे, ठीक है फ्रेंड्स? तो विद्युत जनरेटर का आप ध्यान रखिए, माइकल फेराडे, तो फेराडे आपको वहां से क्लिक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो अगली हम बात करते हैं, आविष्कार है हमारे पास में, पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने करा था? तो पीटर हेलिन ने उसका आविष्कार करा था। तो दोस्तों हमको तो हिंट चाहिए बस, ठीक है, तो मैं आपको हिंट बताता हूँ कि कैसे याद रखिए। तो हुआ क्या दोस्तों, ऐसा हुआ कि एक आदमी ने क्या करा कि पॉकेट वॉच खरीदी, ठीक है,
पॉकेट वॉच खरीदने के बाद जैसे ही वो वहां से शॉप से निकला तो उसके ऊपर एक कबूतर ने पीट कर दी। ठीक है, तो उसने कहा कि यार समय खराब है यार, क्या मैंने घड़ी ली। तो समय से आप याद कर सकते हो, वॉच ली उसने और पीट कर दी। तो ये फर्स्ट वर्ड जो यार है, इसके दो पीटर का पीट आप आसानी से ध्यान रख सकते हो कि उसके ऊपर पीट कर दी। तो उसका बोला समय खराब चल रहा है, तो वहां से आप इसको क्लिक कर सकते हो। पीटर हेलिन ने पॉकेट वॉच का आविष्कार करा था। अगला है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने करा था। तो इसको ऐसे याद रखिए कि एक लड़का हॉस्पिटल में गया, वहां पर उसने बोला कि मेरा एक्सरे कर दो। ठीक है, तो उन्होंने एक्सरे जैसे ही उसका करा तो उसको पूरा का बॉडी से ऊपर से नीचे पूरा एक्सरे कराया उसका, तो उसका कान एकदम से रेड हो गया, लाल उड़ गया और कान रेड हो गया और दुखने लगा जोर जोर से कान उसका, और एकदम से वो रोने लगा। तो दोस्तों डॉक्टर ने उसको बोला कि कान रेड हो गया तो रोने लगा, तो बोलता है कान रेड हो गया अब रोते जा, तो रोनते जा, तो रोंट जन। तो आप उसको वहां से याद कर सकते हो, कान रेड रोंट जन। ठीक है, तो रोंट जन ने एक्सरे की खोज करी थी। तो फ्रेंड्स आप आसानी से याद रख सकते हो। चलिए हम और आविष्कार की हम बात करते हैं। अगला आता है दोस्तों, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने करा, पास्कल ने करा था। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि एग्जाम में कैलकुलेटर अगर होता है तो उसकी मदद से हम दोस्तों पास हो जाते हैं। ठीक है, तो पास हो जाते हैं, तो पास जो फर्स्ट आपको दो दिख रहे हैं, पास्कल, पास, तो आप वहां से इसको याद रख सकते हो कि कैलकुलेटर की हेल्प से हम पास हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता है रेल का इंजन। ठीक है, तो उसकी खोज किसने करी थी, जॉर्ज स्टीफेंस ने करी थी। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका दोस्तों ऐसा है कि जिसने रेल की इंजन खरीदी, इंजन जो उसका आविष्कार करा था, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इतने ज्यादा फैंस हो गए उसकी, बहुत ज्यादा फैंस हो गए पूरे इंडिया में कि यार इंडिया में तो रेल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन में तो उसके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है पूरे इंडिया में, तो फैंस है वहां पर, तो फैंस से आप इसे याद रख सकते हो उसको। ठीक है, अगला आता है मोटर स्कूटर का। तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि मैंने पूरा खाना वाना सब बना लिया, सब्जी भी बना ली अच्छे से, और सब्जी बनाई तो दोस्तों बिल्कुल एकदम वो उसमें कोई ग्रेवी नहीं थी सब्जी में। तो फिर मैंने बोला कि यार अब ग्रेवी नहीं है सब्जी में तो कैसे खाऊं। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार एक काम कर, जा और फटाफट मेरा स्कूटर लेके जा और फटाफट मार्केट से ग्रेवी वाली सब्जी कोई खरीद के लग गया। ठीक है, मैं गया और ग्रेवी वाली सब्जी लेके आ गया। तो आप वहां से दोस्तों याद रख सकते हो कि स्कूटर लेके मैं गया, एक स्टोरी के माध्यम से ही दोस्तों याद करना होगा हमको कुछ ना कुछ। ठीक है, जिससे हम एग्जाम में हमको क्लिक हो जाए कि मोटर स्कूटर का, स्कूटर लेके मैं गया था, ग्रेवी लेके आया, तो आप वहां से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेवी लेके आया और फिर मैंने ब्रेड और ग्रेवी से खाना खा लिया, तो आप उसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ग्रेवी ली ब्रेड शो ने मोटर स्कूटर का आविष्कार करा था। दोस्तों अगला है हमारा टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन का तो आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को पता ही है, जेएल बेर्ड ने इसका आविष्कार करा था। अगला दोस्तों आता है पनडुब्बी का, मेन ये इंपॉर्टेंट है। पनडुब्बी का आविष्कार किसने करा था। दोस्तों पनडुब्बी जो होती है इतनी बड़ी होती है, हर कोई आदमी तो खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिए कि हुआ क्या कि अमेरिका का सबसे जो पैसे वाला आदमी है तो जॉर्ज वुश था। ठीक है, तो पनडुब्बी किसने ली दोस्तों, वुश ने ली, क्योंकि उसके पास पैसा था, तो वुश ने ली, तो वुश नेल, तो आप वहां से उसको याद रख सकते हो। वुश नेल ने पनडुब्बी का आविष्कार करा था, तो बहुत ही आसानी से आप इसको दोस्तों याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगला आता है दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा था। ठीक है, तो कंप्यूटर का आविष्कार ऐसे करा था दोस्तों कि आजकल कंप्यूटर कहाँ बिक रहे हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, तो आजकल तो एंड्रॉयड और लैपटॉप का जमाना है, तो सेल्समैन को कंप्यूटर वाले ने बोला कि यार कंप्यूटर बेचना है तो कोई चाल से बेच इसको। ठीक है, कुछ ना कुछ चाल कस्टमर को दे और उससे बेच, तो चाल से बेच। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज से हमारा मतलब है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार करा था, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने करा था, टोरी सिली ने करा था। ठीक है ना, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि बैरोमीटर एक मीटर ही है जिससे हम पूरा मेजरमेंट वगैरह, इस तरीके सोचिए आपकी मेजरमेंट वगैरह हम ले रहे हैं उससे, ऐसा सोचिए। ठीक है, तो बैरोमीटर से दोस्तों क्या हुआ कि जैसे मैं नापने गया वहां पर कुछ कुछ, तो एकदम से क्या हुआ कि मेरी वो टूट गई, बैरोमीटर टूट गया, तो मैंने उसको क्या करा, डोरी से सील लिया बैरोमीटर को, और फिर मैं उसको यूज करने लगा। तो डोरी से सील लिया मैंने, तो डोरी सीली से हमारा टोरी सीली। ठीक है ना, तो आप उसको आसानी से याद कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने करा, हैरिसन और कैटलिन ने।
तो ये पूछा भी जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। चलिए मैं इसकी एक ट्रिक बनाई अच्छी सी, आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे ही मैंने रेफ्रिजरेटर फ्रिज को खोला, ठीक है, तो खोलते ही उसके अंदर मुझे क्या दिखा, हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ बैठे हुए थे। तो हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि यार ये फ्रिज में क्या कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, जो भी कर रहे हो, पर अपने को तो इन्होंने एक ट्रिक याद करा दी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे याद हुआ आप। तो फ्रेंड्स फ्रिज में हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ थे। तो हैरी पॉटर का हमारा हैरी और कैटरीना कैफ का कैट, ठीक है। तो इन दोनों से आप आसानी से याद कर सकते हो, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको 100% सही क्लिक करोगे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का हैरिसन और कैटलिन ने करी थी उसका आविष्कार। अगला दोस्तों है साइकिल का आविष्कार किसने करा था। तो साइकिल का आविष्कार करने, आप ऐसे ध्यान रखिए कि पहले टाइम में क्या होता था, जब मैं कॉलेज वॉलेज में पढ़ता था तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, तो उस टाइम कोई बाइक वाइक तो होती नहीं थी, तो फ्रेंड की साइकिल लेके गया मैं। तो साइकिल लेके गया और फिर मैं गर्लफ्रेंड से मिला, तो इस तरीके से हमारा मिलन हुआ, ठीक है, मैक मिलन। तो आप उस तरीके से याद रख सकते हो कि साइकिल से क्या हुआ था कि वो मिलने गया था, और इस तरीके से आप दिमाग में इमेज बना सकते हो, तो इसको आसानी से याद रह जाएगा आपको कि साइकिल का आविष्कार किसने करा था, मैक मिलन, तो मिलने गया था, ठीक है। बिजली का पंखा, बिजली के पंखे का आविष्कार दोस्तों किसने करा था, बिजली का पंखा, हीलर। दोस्तों नाम में स्पष्ट है कि बिजली का पंखा दिन भर हिलता रहता है, ठीक है ना, तो हीलर से हमारा हिलता है, तो हीलर आसानी से आप उसको याद रख सकते हो। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने करा था, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार ऐसे हुआ था दोस्तों कि जो इसका आविष्कार कर रहा था वो एक कमरे में बंद होके और उसका पूरा उसने बल्ब बना रहा था। इतने में उसका जो बना रहा था उसका सन आया, उसका बेटा आया, और बेटा जैसे ही उसके आया कमरे में अंदर, ठीक है, और जैसे उसने अंदर पैर रखा, तो उस बल्ब के ऊपर उसने पैर रखा, तो उसके एड़ी में, एड़ी जो होती है अपनी पैर की, उसके अंदर उसका कांच चुभ गया, तो उसके सन की एड़ी में कांच चुभ गया, तो एड़ी सन, आप वहां से उसको पकड़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने करा था, एड़ी सन ने करा था, एडिसन, 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 ठीक है। तो अगला आता है दोस्तों, हमारा लास्ट आता है कि डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों किसने करा था। तो डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट आप ऐसे ध्यान रखिएगा, नाम में स्पष्ट है, बम बम की बात हो रही है, ठीक है। तो बम को फोड़ना होता है दोस्तों, तो अपने को ज्यादा एफर्ट तो लगाना होता नहीं है, ठीक है ना, उस पर कोई फोर्स लगाना नहीं होता है, कोई बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो कि उसमें नो बल रिक्वायर्ड होता है, कोई भी बल जरूरत नहीं होती है उसको फोड़ने के लिए, जस्ट पिन निकालो और उसको फेंको तो फूट जाता है, तो नो बल रिक्वायर्ड, तो नो बल, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो कि बी नोबल, अल्फ्रेड नोबल आपको समझ में आ जाएगा नाम में। तो दोस्तों इस तरीके से आप डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने करा था याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 25+ इन्वेंशन, ठीक है दोस्तों, किन किन ने करे हैं वो याद कर लिए आसानी से हमने। तो फ्रेंड्स अगर आपको, अगर कोई भी, अगर कुछ भी डाउट होता है या किसके रिलेटेड अगर ट्रिक की अगर आपको जरूरत होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ हमको आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, फेसबुक की लिंक दोस्तों आपको जैसे यहाँ पे दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी ट्रिक शेयर होती रहती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।